राशिद, स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन दिखाने जा रहे हैं जिसके आगे बुलेट ट्रेन फीकी होगी। बुलेट ट्रेन तो क्या, इसके आगे हवाई जहाज और रॉकेट की रफ्तार भी कम पड़ जाएगी। बहुत जल्द ही हिंदुस्तान की पटरी पर सुपरसोनिक विमान की तरह यह ट्रेन दौड़ेगी जो एक घंटे में आपको दिल्ली से मुंबई और महज 70 हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार। साउंड की स्पीड से सुपर फास्ट हिंदुस्तान की पटरी पर पहली बार आ रहा है बुलेट का बाप। रफ्तार की दुनिया का सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला है। देश की पटरी पर हवाई जहाज से भी तेज ट्रेन दौड़ाने की योजना जमीन पर आने वाली है। अब आप पहली बार 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। कुछ इस तरह है। जी हाँ, ये बातें हवा हवाई नहीं, 16 आने सच है कि हिंदुस्तान की पटरी पर अब तक की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। एक ऐसी ट्रेन जो वाकई हवा से बात करेगी, आपको एरोप्लेन से भी ज्यादा तेजी से सफर तय करवाएगी, और ये सब हवा में नहीं जमीन पर होगा। रॉकेट की रफ्तार वाली ये ट्रेन कैसी है, कहाँ से आ रही है, कब दिखाई जाएगी इसे हरी झंडी, सब बताएंगे। पर उससे पहले इसकी जादुई रफ्तार का जलवा देखिए और अंदाजा लगाइए कि आपकी आने वाली जिंदगी कितनी तेज, कितनी सुपर फास्ट होने वाली है। हम इस ट्रेन को बुलेट का बाप या रॉकेट एक्सप्रेस क्यों कह रहे हैं, मैप से समझिए। दिल्ली से मुंबई की दूरी है करीब 1385 किलोमीटर। फिलहाल किसी भी सुपर फास्ट ट्रेन को इसे तय करने में 16 से 18 घंटे लगते हैं, लेकिन ये रॉकेट एक्सप्रेस आपको 65 मिनट यानी 1 घंटे 5 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी। अब दिल्ली से कोलकाता की दूरी देखिए, करीब 1500 किलोमीटर। मौजूदा सुपर फास्ट ट्रेनों को ये दूरी निपटाने में 18 से 20 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन ये रॉकेट एक्सप्रेस इस दूरी को 70 मिनट में यानी 1 घंटे 10 मिनट में नाप लेगी। अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलिए। दिल्ली से चेन्नई की रेल दूरी 2175 किलोमीटर है। राजधानी जैसी ट्रेन भी ये दूरी तय करने में कम से कम 28 घंटे लेती है, पर जिस रॉकेट एक्सप्रेस की बात हम कर रहे हैं उसके लिए ये दूरी सिर्फ 105 मिनट की है। वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू सी बंगलोर टू तिरुवनंतपुरम गोइंग इन ओनली 40 मिनट्स, मुंबई टू चेन्नई 60 मिनट्स, मुंबई टू दिल्ली इवन प्रॉब्ली सेम टाइम, सो वेरी एक्साइटिंग। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन है या तूफान, भला इतनी तेज रफ्तार भी मुमकिन है क्या? ऐसी रफ्तार तो उस बुलेट ट्रेन की ही नहीं जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, और तो और हवाई जहाज भी इतनी जल्दी कहीं नहीं पहुंचा सकता। तो फिर ये ट्रेन कैसे रॉकेट बन जाएगी, क्या है ये करिश्मा? जी हाँ, करिश्मा ही तो है। आज तक आपने साउंड की रफ्तार से उड़ने वाले रॉकेट या सुपरसोनिक प्लेन के बारे में सुना होगा, लेकिन धरती पर पहली बार कोई ट्रेन पटरी पर इतनी तेज दौड़ेगी कि साउंड की रफ्तार भी पीछे छूट जाएगी। देखिए, ये है धरती पर रफ्तार का अब तक का सबसे करिश्माई शाहकार, नाम है हाइपर लूप ट्रेन। जानते हैं इसकी रफ्तार कितनी है? 1224 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी दोगुने से ज्यादा। देखिए कैसे गोली की तरह निकलती है ये ट्रेन, रफ्तार ऐसी कि आंखों के सामने से गुजर जाए और पता भी न चले। आप सोच रहे होंगे कि देश में अभी तक बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, फिर ये हाइपर लूप ट्रेन भला कैसे पटरी पर उतर पाएगी? तो इतना जान लीजिए कि रॉकेट की रफ्तार से चलने वाली हाइपर लूप ट्रेन किसी ऑर्डिनरी पटरी पर नहीं बल्कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर दौड़ेगी। देखिए ये एनिमेशन, ये एयर फ्री वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर कैप्सूल जैसी दिखने वाली, यही है हाइपर लूप ट्रेन। 3 साल पहले पहली बार इस अनोखी ट्रेन का आइडिया सामने आया था। उसके बाद लॉस वेगास से लंदन तक इसके कई सफल ट्रायल हो चुके हैं, यहाँ तक के दुबई में भी इसके दीवान की सर चढ़कर बोल रही है, और अब यही हाइपर लूप हिंदुस्तान को हैरान करने वाली है। संजीव सक्सेना के साथ मनोहर केसरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने अभी हाइपर लूप ट्रेन की एक रिपोर्ट देखी। यहाँ पर हम आपको साफ साफ बता दें कि ये ट्रेन अभी तक जमीन पर नहीं उतरी है, दुनिया के कई देशों में इसका ट्रायल तो चल रहा है,
पर पटरी पर इसके दौड़ने में अभी वक्त है, इसलिए इस ट्रेन की ज्यादा तस्वीर उपलब्ध नहीं है। अब जानिए कि भारत में हाइपरलूप ट्रेन को लाने की तैयारी चल कैसी रही है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस वेगास की है। जहां इसी साल मई महीने में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन हाइपरलूप का कामयाब ट्रायल हुआ। अपनी टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए, किसी ट्रेन के इंजन जितनी लंबी यह हाइपरलूप ट्रेन है, जो स्टार्ट होते ही बिजली की रफ्तार से धूल उड़ाती हुई अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दुबई में हुए हाइपरलूप ट्रेन के ट्रायल का डेमो है, जो बहुत जल्द बुर्ज खलीफा के शान को भी फीका करने वाली है। यूएई सरकार भी हाइपरलूप ट्रेन को अपनी धरती पर लाने का इरादा कर चुकी है। पर इसके लिए बेहद महंगे प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि लॉस वेगास और दुबई में चल रही हाइपरलूप ट्रेन की तैयारी से हिंदुस्तान को क्या मतलब है, क्योंकि भारत में ना तो अमेरिका जैसी सुपर एडवांस तकनीक है और ना ही दुबई जैसी बेहिसाब दौलत। तो फिर हिंदुस्तान में कैसे आएगी हाइपरलूप ट्रेन? जवाब जानने के लिए ये तस्वीर देखिए। 28 फरवरी को दिल्ली में भारत के लिए हाइपरलूप का विजन नाम से सेमिनार हुआ, जिसमें रेल मंत्री सुरेश प्रभु और नीति आयोग के सीईओ और कई आला अफसरों ने शिरकत की। इस सेमिनार में बड़ी सी स्क्रीन पर हाइपरलूप ट्रेन का डेमो दिखाया गया। रॉकेट जैसी रफ्तार वाली हाइपरलूप ट्रेन सिस्टम को हकीकत की जमीन पर उतारने में 5 भारतीय कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इन कंपनियों ने रेल मंत्रालय को इसके रूट भी सौंप दिए हैं। ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा का ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन का टेक्नोलॉजी है, तो इसके बारे में काफी एक्साइटमेंट रहता है, उत्साह रहता है। और धीरे धीरे हमने भी इस युग में पदार्पण कर ही लिया है और इस विषय में हम काम कर रहे हैं। टेक्लिक्स ग्राउंडवर्क्स कंपनी, जो दिल्ली मुंबई हाइपरलूप का निर्माण करना चाहती है, उसका दावा है कि यह हाइपरलूप ट्रेन 1317 किलोमीटर की इस दूरी को सिर्फ 55 मिनट में पूरा करेगी। एकॉम ने 334 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई रूट का प्रस्ताव दिया है। हाइपरलूप ये दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय करेगी। लक्स हाइपरलूप नेटवर्क ने बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम के 636 किलोमीटर के रूट में रुचि दिखाई है। हाइपरलूप इसे 41 मिनट में तय करेगी। हाइपरलूप इंडिया मुंबई बेंगलुरु चेन्नई के 1102 किलोमीटर लंबे रूट को 50 मिनट में पूरा करने के लिए काम करना चाहती है। इसी तरह एमपी अल्फा ने 334 किलोमीटर लंबे बेंगलुरु चेन्नई रूट को 20 मिनट में पूरा करने के लिए हाइपरलूप कॉरिडोर बनाने का दावा पेश किया है। अब ये भी जान लीजिए कि हाइपरलूप ट्रेन है क्या और ये कैसे काम करती है। दरअसल हाइपरलूप को उच्च दबाव और ताप सहने की क्षमता वाले इंकोनेल से बने बेहद पतली स्की पर स्थिर किया जाता है। इस स्की में छोटे छोटे छेद के जरिए दबाव डालकर हवा भरी जाती है, जिससे ये एक एयर कुशन की तरह काम करने लगता है। स्की में लगे चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटके से हाइपरलूप के पॉड को रफ्तार देते हैं। रवि कुमार और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हुए बात अनोखे हेलीकॉप्टर मिशन की। इस वक्त मैं एनिमेशन के जरिए हेलीकॉप्टर में बैठा हूं। नीचे आप देखिए, इस तरफ मेरे दिल्ली नजर आ रही है और ठीक इसी तरह आप भी दिल्ली दर्शन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरी दिल्ली देख सकते हैं
अभी तो ये शुरुआत है। इस मिशन के जरिए आप दिल्ली से देहरादून और जम्मू तक की हवाई यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली से 2 घंटे में जाइए और वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। एक घंटे में देवभूमि जाइए और महादेव की पूजा कीजिए। महज 20 मिनट में कर लीजिए दिल्ली दर्शन। आप देख सकते हैं कि वो है हेलीकॉप्टर जो तमाम वो दिल्ली दर्शन कराएगा, और दिल्ली दर्शन के लिए आपको 2,500 रुपए देने होंगे और दिल्ली का दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। बातें हवा हवा नहीं है। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 36 में देश का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है। इसे पौनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। हमारे सामने नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, पूरी अपेक्षा है, और उपराज्यपाल जी से भी बात हुई कि जो मेट्रो लाइन है जो यहाँ आज के समय 5 किलोमीटर दूर है उसको भी हम लोग आगे ले जाकर यहाँ तक पहुंचा जाएंगे। तो मेट्रो भी यहाँ रुकेगी, साथ साथ जो नेशनल हाईवे है वो भी यहाँ आ जाएगा, तो कनेक्टिविटी भी यहाँ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी। इंडिया न्यूज आपको देश के पहले हेलीपोर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस हेलीपोर्ट पर आकर आप हेलीकॉप्टर से 2,499 यानी 2,500 रुपए में दिल्ली दर्शन करेंगे। 15 से 20 मिनट में आप इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लाल किला, कुतुब मीनार और अक्षरधाम का दीदार कर सकते हैं। दिल्ली दर्शन के अलावा इस हेलीपोर्ट से आप और कहां कहां जा सकते हैं आगे देखिए। पहले हेलीपोर्ट के डिपार्चर लॉन्च पर चलते हैं। इस समय हम रोहिणी एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। आपको पहले दिखाते हैं ये नजारा जहां से आप एंट्री करेंगे। ये वही एंट्री गेट है जो सीधे आपको हेलीपोर्ट के अंदर ले जाएगा, जो कि रोहिणी सेक्टर 36 में बना हुआ है। तो आइए सीधे चलते हैं हम और मूवमेंट करके दिखाते हैं आपको कि आखिर जो रास्ता होगा आपको कॉरिडोर घूमते हुए, और यहां से ये मेन गेट तक आप यहां पर आ जाएंगे। एंट्री गेट के बाद जब आप हेलीपोर्ट में जाएंगे तो चेकिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, जो है इसको हम लोग बैगेज स्क्रीनिंग बोलते हैं। जो लोग अपना सामान साथ ले जाके जाना चाहते हैं उसकी स्क्रीनिंग यहाँ से होगी, जो हेलीकॉप्टर्स में अलग से चला जाएगा। जो आप आज अगर हम बात करें सुरक्षा के बाद, जो आप सामने देख रहे हैं वो चेक इन काउंटर्स हैं। तो पैसेंजर्स जैसे आप एयरपोर्ट पे देखते हैं तो ये चेक इन काउंटर्स के ऊपर आके अपना बोर्डिंग पास लेंगे और अपना सामान जो है वहां पे छोड़ देंगे, जो अलग से हेलीकॉप्टर में चला जाएगा। okay. और वो लोग जो है फिर यहाँ से सिक्योरिटी चेक के लिए मूव करेंगे। चेकिंग के आगे आप हेलीपोर्ट पर वेटिंग हॉल में पहुंचेंगे, जहां आप चाय नाश्ता कर पाएंगे। सिक्योरिटी हॉल है, इसमें आपका रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज वगैरह भी होंगी और यहाँ पे पैसेंजर्स वेट करेंगे फ्लाइंग के लिए। तो क्या ये जो रिफ्रेशमेंट फैसिलिटीज आप सुविधाएं दे रहे हैं ये भी एडिशनल होगा, ऐड होगा टिकट के अंदर, या फिर आपके साथ जो टिकट है 2500 उसमें ये सुविधाएं मौजूद रहेंगी? हाँ, ये सब सुविधाएं उसमें मौजूद हैं। 2500 रुपए 2499 रुपए, ठीक है, 2499। ओके, तो वो उसी में सब इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट इफ दे वांट टू बाय समथिंग और दे वांट टू ईट समथिंग देन दे हैव टू पे एज पर एक्चुअल्स। ओके, हेलीपोर्ट पर आप अंदर जाने के बाद ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर दिखता है और थोड़ी दूर पर फायर स्टेशन। तो मेरी तरह ही आप हवा में बैठे हुए जल्दी दिल्ली दर्शन कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आप ट्रैफिक से बच जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी क्योंकि आपको खर्च करना है 2499 रुपए। वक्त बेकार हो चला है, कहीं मत जाइएगा। बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।